खेल की दुनिया में छोटी सी उम्र में प्रवेश किया था और पता ही नहीं चला आज 19 साल हो गए इंडिया टीम से खेलते हुए। किसी ने कहा कि इतना लंबे समय लगातार भारत के लिए खेलना, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि जब जड़ मजबूत होती है तो पेड़ बहुत मजबूत बनता है। तो कहीं ना कहीं मेरी जड़ मजबूत थी और वो पेड़ बना और उस पेड़ ने इस देश को फल भी दिए हैं। हर खिलाड़ी के एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल ले, क्योंकि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खेल होता है, 200 देश जिसमें भाग लेते हैं। लेकिन मेरा सपना थोड़ा सा अलग था कि ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाओ। और 40 साल की उम्र में जो तीसरा मेडल लिया, तो साइंस भी ये मानती है कि 40 साल की उम्र में खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, लेकिन मैंने साइंस के विपरीत काम किया। तो हमारी बिरादरी में इतना चैलेंज है कि हम साइंस को भी चैलेंज कर सकते हैं। सफल होने के लिए सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करें कि मैं सफल हो सकता हूं, यह जरूरी है आपके लिए। सपने देखें और उन सपनों को आप साकार करें, मेहनत करें। मैं जब पहली बार शुरुआत की थी तो मेरे पास फेंकने के लिए भाला तक नहीं था और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए। 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, दुनिया का कोई मेडल कोई रिकॉर्ड नहीं जो मैंने ब्रेक नहीं किया। का मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि देश के प्रति हमारा योगदान क्या है। सबसे ऊपर, सबसे प्राथमिकता में हमारे लिए हमारा देश होना चाहिए। इतना कहना चाहूंगा कि अपने समाज में, अपने परिवार में आकर के जो दुनिया में जीतते हैं, यहाँ आकर के जो रिकॉग्निशन मिलता है, अच्छी बात का प्रचार होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भी फील्ड में जाए। आज हमारे बच्चे IAS भी बने हैं, RS भी बने हैं और सर्विस में गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अच्छा काम होता है हमारे समाज में, हमारे देश में, चाहे वो कोई बिरादरी से हो, उसकी चर्चा होनी चाहिए, घर पे बताना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छा काम करे हमारे देश में। जो कौमें एजुकेशन में पिछड़ती चली गई वो बर्बाद होती चली गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात का महत्व हमें जितनी जल्दी समझ लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, राज नहीं है, रजवाड़े नहीं है, कारखाने नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, बहुत पैसा भी नहीं है, होगा काम चलाऊ ये कोई पैसा नहीं होता जितने पे हम लोग इतरा रहे हैं। आजकल तो लोगों पे बहुत बहुत रुपया है, लेकिन असली ताकत, जो असली एम्पावरमेंट है, वो एजुकेशन से होता। एजुकेशन इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। आज मैंने तेजा जी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ग्लोबल जाट सबमिट अटेंड किया, और जिसमें कि अपने गवर्नर सत्पाल सिंह मलिक साहब ने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा कार्य किया, और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यों को हर साल होता रहे। ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये तेजा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति।